एनालिसिस का मतलब यह होगा कि आप एक बड़ी पिक्चर को स्मॉलर ब्रेक्स में समझने की कोशिश करो आप एक बड़े सिनेरियो को स्मॉल चंक्स में समझने की कोशिश करो सो यू आर ट्राइंग टू एनालाइज द सिचुएशन। आप उस सिचुएशन के मुख्तलिफ पहलुओं को समझ कर अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप वो कर रहे हो द सेकेंड एस्पेक्ट द सेकेंड फंक्शन ऑफ द माइंड इज वैल्यूइंग जिसमें के माइंड कोई वैल्यू एसोसिएट करता है किसी चीज के साथ जब आपका माइंड वैल्यूइंग कर रहा है तो वो उस वैल्यू में एनालिसिस भी करेगा कि वो चीज आपके लिए क्या अहमियत रखती है और नो no डाउट उस वैल्यूइंग प्रोसेस के बैकएंड के ऊपर आपका वैल्यू सिस्टम ऑपरेशनल होगा क्योंकि आपकी दी जाने वाली वैल्यू एक्चुअली ड्राइव हो रही होगी उस वैल्यू सिस्टम से जो बैक इन योर ग्रे मैटर वो मौजूद है सो so, वैल्यूइंग के केस में आपकी तरजीहत आपकी एक्सपेक्टेशंस वो डेवलप करती हैं सो ह्यूमन माइंड चीजों को एनालाइज करता है ह्यूमन माइंड चीजों को वैल्यू असाइन करता है और साथ ही साथ ह्यूमन माइंड चीजों के बारे में सिंथेसिस भी करता है और सिंथेसिस से मुराद है कि आप स्मॉलर चंक्स को जोड़कर एक बिगर कैनवस डेवलप कर लो आप छोटे-छोटे पर्सपेक्टिव्स -छोटे को जोड़कर एक बड़ी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो सो दैट इज समथिंग लाइक ऑपोजिट टू द एनालिसिस पार्ट अब माइंड बिगर थिंग्स को स्मॉलर कंपोनेंट्स में स्मॉलर थिंग्स को बिगर कन्वर्जन में और उसके साथ साथ वैल्यूइंग का काम ये कर रहा होगा सो आर आर द द मेन मोस्ट थिंग्स टेकन अप एज ऑफ माइंड अब इन तमाम के मंजर में ह्यूमन माइंड वो क्या करेगा ह्यूमन माइंड इफेक्टिव थिंकिंग करेगा वो सोचेगा वो डिफरेंट कंक्लूजन ड्रॉ करेगा वो अपनी परसेप्चुअल डिटेल्स को इस्टैब्लिश करेगा और फिर इवेंचुअली उन सब की मदद से हम डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएंगे साथ ही साथ Human mind, कोशिश भी करेगा और फिर इवेंचुअली प्रॉब्लम्स के हल के लिए द्यूमन माइंड माइंडिंग अपॉन डेवेलपिंग सर्टन डिसीजन एज वेल इसी तरह ह्यूमन माइंड के अंदर बहुत सी चीजें क्रिएटिव और इनोवेटिव पैटर्न में भी आ सकती हैं और उस क्रिएटिव और इनोवेटिव पैटर्न के अंदर नो डाउट इन ट्यूशन एंड गट फीलिंग्स कैन बहुत से इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स कैन इंसिडेंट्सिडेंट्सो कॉन्ट्रीब्यूट कोई हिंट कोई ट्रिगर कोई स्टिमुलस कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट एज यू नो इनोवेशन वुड मीन इन्वेंशन और फिर उसकी कमर्शलाइजेशन सो अब उस इन्वेंशन के लिए जो आइडिया आपके जहन में बना आपके जो क्रिएटिव थॉट आपको जनरेट हुई ये सब की सब वो चीजें हैं जो इवेंचुअली ह्यूमन माइंड प्रोसेस वो कर रहा होगा देयरफॉर वी हैव टू बी कॉशियस डायमेंशन क्या क्या है और वह किस तरीके से सिचुएशन को चीजों को लोगों को इवेल्यूएट करता है ताकि हम बेहतर फैसलों को अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बुरहेकार लेकर आ सकें डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो फंक्शंस ऑफ माइंड में वैल्यूइंग ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि इन तीनों को हम यूज करें कॉन्शियस लेवल के ऊपर माइंडफुलनेस के साथ टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन थैंक यू